Hello, dear students. Welcome to my chemistry classes. याद होगा लॉकडाउन के पहले हम लोग चैप्टर वन यानी ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया उपयोग ये सब पढ़े। क्लास टेन के चैप्टर टू में है अम्ल भस्म और लवण। अम्ल शब्द बोलते ही दिल में कुछ खट्टा खट्टा होता है। लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस। लैटिन भाषा में जैसे इंग्लिश में शब्द है एसिड, तो लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस। एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा, और अम्ल खट्टा होता है, मीठा होते हुए भी खट्ट मीठा होता है, जैसे एप्पल का जूस। लोग बोलेंगे ये मीठा अम्ल है, मीठा है परंतु खट मीठा है, वो उसमें हाइड्रोजन आयन है, अम्ल है हाइड्रोजन आयन है। अम्ल की परिभाषा बहुत प्रकार से की जा सकती है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में केवल अरहेनियस की परिभाषा है, तो हम लोग अम्ल की परिभाषा अरहेनियस के अनुसार करें, लॉरी के अनुसार, ब्रॉस्टेड के अनुसार, लुइस के अनुसार। बहुत वैज्ञानिक है लेकिन उतनी चर्चा नहीं करनी है। अम्ल है क्या, अम्ल है क्या, पहले अम्ल पढ़े, फिर भस्म पढ़ेंगे, फिर लवण पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। अम्ल है क्या, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसको जल में डालने पर वो हाइड्रोजन आयन देता है। आपको एक बात यहां बता दें, अम्ल दो प्रकार का होता है, एक हाइड्रोजन आयन देने वाला और एक हाइड्रोनियम आयन देने वाला। तो अरहेनियस नहीं बताया, लेकिन बाद में फिर हाइड्रोनियम आयन फाइनली हाइड्रोजन आयन ही देता है, इसलिए क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए हम उस पार्ट को छोड़ दिए और आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि अरहेनियस एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे दें। आपको पता ही है आयन कैसे बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हाइड्रोजन धन आयन। जैसे उदाहरण के लिए HCl को पानी में घुलाए, हाइड्रोजन आयन दिया और HCl दिया। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन आएगा नहीं, उम्मीद कम है। जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम अपने आप आपको लिख देंगे बोर्ड मॉडल, ये बोर्ड मॉडल है, ये आता है, ये आएगा, लेकिन ये सब नहीं आएगा कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण दीजिए, एक आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए हम ये क्वेश्चन पढ़ा दिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भरमार है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ऐसे इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना के पढ़ा रहे हैं। अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में कार्बन अवश्य होगा, अकार्बनिक अम्ल में कार्बन नहीं होगा। आप किसी भी अम्ल में देख लीजिए कार्बन है वो ऑर्गेनिक एसिड हो गया, और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। जो जल में घुलकर आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दिया और भरपूर दिया वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, जो कम दिया वो वीक एसिड हुआ। जो जल में घुला हाइड्रोजन आयन दिया लेकिन उसका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, उसका आणविक सांद्रण कम है, तो समझिए वीक एसिड है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या है, अरे भाई पानी बहुत है, पी जाइए अम्ल, पी जाइए, पेट खराब है थोड़ा सा अम्ल पी जाइए, कैसे, एक गिलास पानी में नींबू डालकर थोड़ा सा पी जाइए, तनु अम्ल हुआ। सांद्र अम्ल को भूल से भी टच नहीं कीजिएगा, हाथ जल जाएगा, शरीर जल जाएगा। जब अम्ल में पानी का अनुपात कम होता है वो कंसंट्रेटेड हुआ, तनु सांद्र हुआ, पानी जितना मिलाइए उतना तनु होता चला गया। ध्यान रहे, भूल के भी
अम्ल में पानी नहीं डालते हैं क्योंकि अम्ल को पानी से इतनी प्रीति होती है, वह उछल जाता है बर्तन से, शरीर पर पड़ जाएगा, जल जाइएगा। एक क्वेश्चन आता है, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में पानी मिलाएंगे कि पानी में अम्ल, कि दोनों में कुछ भी कर दें? आंसर होगा नहीं 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 साहेब, वर्मा सर का चेला है, पानी में अम्ल मिलाएंगे और धीरे धीरे मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। आप अब जाइएगा बीएससी वगैरह में, 12 में फिर यही सब पढ़िएगा, बीएससी में फिर यही पढ़िएगा, अम्ल का कंसंट्रेशन निकालिएगा, मोलैरिटी निकालिएगा, टाइट्रेशन करिएगा, तो अब सब चीज तो दसवें में नहीं बता देंगे, मोटा मोटी बता दिए। एक सधूम अम्ल होता है, सधूम अम्ल, अरे बाप रे बाप, तो धुआं निकलते रहता है, इसलिए उसका नाम ही होता है फ्यूमिक एसिड, उससे धुआं निकलते रहता है हमेशा, सधूम अम्ल फ्यूमिक एसिड, उस कंसंट्रेटेड एसिड से भी ऊपर होता है। कभी कभी आप बैटरी चार्ज करते होइएगा तब बैटरी से देखे होइएगा, अम्ल खलबलाने लगता है, कभी कभी धुआं निकलने लगता है। तो ये हो गया सांद्र और तनु अम्ल, डियर स्टूडेंट। और एक होता है ऑक्सी एसिड और हाइड्राएसिड, ऑक्सी अम्ल और हाइड्राएसिड। तो जिस अम्ल में ऑक्सीजन है, अरे हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन के बिना तो अम्ल होगा ही नहीं, जैसे सांस के बिना जीवन होगा ही नहीं, सौंदर्य हो सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो ऑक्सी एसिड, और खाली हाइड्रोजन हो तो हाइड्राएसिड होता है। तो सबका उदाहरण याद रखें, जो स्वाद में खट्टा हो नीला लिटमस को लाल कर दे, जल में घुल के हाइड्रोजन आयन दे, हाइड्रोनियम आयन दे, बस अब अम्ल है, और पूरा अम्ल का संसार बहुत बड़ा है। अगले क्लास में मिलते हैं तरह तरह के अम्लों के साथ आप, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, अम्ल की भास्मिकता। भाई कोई अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु कितना निकाल सकता है, कितना है न, उससे कितना हाइड्रोजन परमाणु पानी में डालने पर निकलेगा। आप याद देखिए H3PO4, इससे तीन परमाणु निकल सकता है, ट्राइबेसिक हुआ त्रिबेसिक, लेकिन H3PO3 इससे है यहां तीन परमाणु, लेकिन जब आप इसको पानी में डालिएगा तो दो ही परमाणु निकलेगा, कंजूस है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि बेसिसिटी क्या चीज है भाई, तो किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापन योग्य, इस शब्द पर गौर करिए ना भाई, ये नहीं कि उपस्थित, बस आंख मुंद के ऐसे आंख मुंद लिए देख लिए, तीन गो है बत्री बात में, ये तो याद रखिएगा, ज्यादा तरपवाद वाला ही परीक्षा में आता है, इसमें तो देख रहे हैं एक अणु है तो कल भाषणिक, दो अणु है तो भाषणिक, क्लियर समझ में आ गया। अब ये सब जितना भी ओटी देख रहे हैं, एक से लेके एक दो तीन चार, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है, व्यायाम करते हैं सब तड़तड़ाने लगता है, काहे अंदर बॉडी के एसिड जमता है। आप कहिएगा बॉडी में एसिड है, गजब स्थिति है, आमाशय में, आमाशय पेट पेट ये जो है आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, पाया जाने वाला अम्ल ये कौन है, तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे यही न रहता है जो कि आप खाते हैं तो खट्टा हो जाता है, मैम ने पढ़ाई है बायोलॉजी में आपको, कितना तो इधर निष्णात मैम आपको पढ़ा रही है जिसके नाम से सेंटर है, आप तो वही देखिएगा बायोलॉजी में पूरा धुन के पढ़ा, तो आप इसको याद कर लीजिए,
एक कुस्सी का पौधा होता है, उसको साइंस में बोलेगा निटल पौधा, उसमें डंक डंक ऐसा निकला। अब बाहर से झलकेगा, बाहर से ऐसे लगे, ऐसे करिएगा तो लगेगा रोआ बना है। लाके आ किसी को रगाड़ दीजिए कपड़ा कुपरे से, दिन भर नचते रहेगा। हम लोग बदमाशी करते थे देहात में, जो ज्यादा तरपोई करता था ना, दिन भर की अलग है, दिन भर नचते रहता था, आजकल गोबर रगड़ता था। लेकिन आपको हम बता देते हैं, वो डॉग पौधा होता है, उसका पत्ती रगड़ दीजिएगा ना, ये इंग्लिश पौधा है वो। अब उसका हम हिंदी नाम अभी अपना नहीं है, लेकिन वो हमारे गांव में पाया जाता है, तो उसको लाके रगड़ दीजिए पीस के। ज्यादा लग जाएगा ना नेटल पौधा तो फूल जाएगा, काला काली चींटी काटती है तो उतना उसके डंक में नहीं रहता है, लेकिन वही बिरनी काटा मधुमक्खी सब सबके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो किसमें कौन सा एसिड है ये अभी आप नाम याद कर लीजिए, एक दिन मौका लगेगा, ये सबका सूत्र भी हम आपको देंगे। तो जो सब पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा में अपना नहीं, परीक्षा में पहले टिक मारने हैं, साइट्रिकम नाइट्रिकम हलनाम खिलनाम, इसको जो जितना याद करेगा उतना बड़ा बादशाह होगा। याद कीजिए, आगे बढ़िए।